ये देखो प्रसाद ले लेके आ रही है सत्संग सुन सुन के संडे की सत्संग में। और यहाँ यहाँ खाना चल रहा है। ओए दूध कोला एक दर्जन केले। ये नाना खा रहे हैं। ये देखो प्राची खाना खा रही है। ये प्रसाद क्या खाई? क्या खाई? खत्म खत्म कर डाली सारा खाना खत्म। अरे हमने खा लिया। हम सबसे पहले खाए थे। अब तो पेट भर ही जाएगा। ये देखो खाना चल रहा है और प्रसाद चल रहा है साथ में। ये देखो प्रसाद में लीची मिली। रुको तो क्या मिला? केला, लीची। अच्छा सुनो तो सबसे मेन बात, सत्संग सुनने गई थी, सत्संग सुना? नहीं। क्या सुनने को मिला? क्या बता जल्दी क्या? माँ रहे तो हो सकती थी, पता था वहाँ। क्या हो रहा था? नहीं तो आपने नहीं सुनो तो आपने वहाँ पूजा करी थी? पूजा तो करी थी। फिर हम सब लोग केवल ने बस सामान लाए थे। सामान लाए थे, प्रसाद बोलते हैं उसको, प्रसाद। नहीं बोल प्रसाद प्रसाद नहीं बोल कहो प्र परा परा नहीं प्र प्र सा सा द द प्रसाद प्रसाद। अरे वाह बोल लिया। प्रसाद प्रसाद नहीं प्रसाद प्रसाद। हाँ आप बोला अच्छे से। और सुनो तो और फिर पूजा कर कौन रहा था वहाँ? बड़े लोग कर रहे थे। छोटे लोग क्या कर रहे थे? छोटे लोग बैठे थे। बैठे थे और आप शांति से बैठी थी वहाँ कि नहीं? बैठे थे। लड़ाई लड़ाई तो नहीं करी किसी से? पीहू तो कह रही है कि मम्मी दोबारा इसको नहीं ले जाएंगे। क्यों पीहू दीदी तो कह रही है, जल्दी बताओ। हम बताएं। ये बताएं कृष्णा के साथ बातें कर रही थी। ये कृष्णा के साथ बातें कर रही थी? हाँ। गलती अपनी नहीं बताती हो कि कृष्णा के साथ बातें कर रही थी तो उसको नहीं तो उसको जलन हो रही थी। कल प्रपोजल दी थी उसको और तुम उससे बातें कर रही थी। क्यों ये चुहिया क्या खा रही है? बिस्किट। तो मौसी के साथ जा रहा ठीक है? अरे उनके लिए स्कूटी के लिए जाना ना। मामा जा वो मामा बता देंगे। कह रहे नहीं आप भी चलो। नहीं बाद में चलना, अभी जा रही हूँ। नहीं क्या होता है? जा रहे हैं अभी आ जाएंगे, अभी 10 मिनट में, 10 मिनट में, बस 10 मिनट में अपने बच्चे को आ जाएंगे उसके पास, है ना? जाओ तब तक अंदर जाओ, नहीं धूप है, जाओ चलो अंदर जाइए। जाओ बाबू ये सोना जाओ। और दोपहर का खाना खाने के बाद ही तुरंत दीदी इतनी धूप में बोली, नहीं चलो स्कूटी लेना है आज के दिन। धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर प्राची और दीदी दोनों ही नहीं मानी, मेरा कोई काम नहीं था, फिर भी मुझे लेके आ गई हैं इतनी धूप में। और खुद भी बाइक से आई हुई हैं, छोटा वाला भाई नहीं आया तो खुद चला के आई हैं। और ये वो घर के पास एक दिन देखी गई थी तो वहाँ के बाद एक दो जगह और देखना था तो वहाँ देखने चले गए थे। और यहाँ पर भी इनको समझ में नहीं आया तो जो घर के पास वाला ही शोरूम था
वही समझ में आया था, लेकिन भाई जी बोले एक दो और देख लो, और हीरो की दीदी लेना चाह रही थी इसलिए फिर सर्च करके वहाँ भी गए, पर एजेंसी ढूंढते रहे मिली नहीं। एक डेढ़ घंटे दोपहर में परेशान हुए, यहाँ भी नहीं समझ में आया, तो फिर गूगल पे दिखा रहा था कि एक एजेंसी काकादेव के पास है, पर ढूंढते ढूंढते एक डेढ़ घंटे परेशान हो गए। और आज प्राची बाइक चला रही हैं क्योंकि चला लेती हैं, पर दोपहर उतनी अच्छी नहीं चला पाती हैं, आज इन्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। था कि दोपहर थी तो ज़्यादा लोग नहीं थे रोड पे, नहीं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है काकादेव में, तो फिर ये शायद ना चला पाती। पर वहाँ जब नहीं मिला तो फिर जो घर के पास वाला ही था, फिर वहीं हम लोग आ गए हैं। और कुहू जो है मेरे जाने के बाद सो गई थी, पर कोई काम खुशी को पेमेंट करनी थी तो डिसाइड हुआ कि यहीं से ले लेना है, तो खुशी को पेमेंट करनी थी तो वो साथ में कुहू को लेके भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी चिल्ला रही थी, काफ़ी देर भी हो गई थी मुझे गए हुए। फाइनली डिसाइड हो गया कि हाँ लेना है, तो पेमेंट भी हो गई है इस टाइम पे। और दीदी इलेक्ट्रिक वाली लेना चाह रही थी क्योंकि पेट्रोल वाली में जो होता है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट, इंश्योरेंस सारा कुछ लेना पड़ता है, पर इलेक्ट्रिक वाली में कुछ भी नहीं लेना है, ना ही नंबर प्लेट, ना ही इंश्योरेंस, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं। एज ए बाइसिकल यूज कर सकते हैं, हाँ हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए होता है तो उसको तो यूज करना ही है, तो वो यूज करेंगी और कुछ इसमें नहीं करना है, वरना कौन, दीदी अकेले हैं तो परेशान हो जाती, कौन इतना सारा फिर वहाँ पर करता उनके यहाँ पर। कुहू यहाँ पर इमोजी के साथ लगी हुई है, और ये वाली इमोजी कुहू को देखो कैसे आंखें दिखा रही है। बैठ जाओ एक फोटो खींच देंगे। आराम आराम चलना, फर्स्ट भाई मामा को बिठा लेना। और प्राची ने ही फर्स्ट ड्राइविंग की है, और कुहू भी आ गई थी साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं मैं दीदी बैठूंगी, मैं चाह रही थी नहीं बैठे, पता नहीं कैसे चलाएगी, लेकिन नहीं मानी तो मैंने कहा फिर बिठा लो। खुशी का भी बंदा, मैंने कहा तुम भी बैठ जाओ, और तीनों जाके ना पास का ही मंदिर है, उधर से ही निकल रहे थे, थोड़ी दूरी पे ही था तो पास में जो मंदिर पड़ गया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना, तो काली मठिया मंदिर पड़ता है थोड़ा दूर पे, तो मैंने कहा कि परेशान हो गए हैं पूरी दोपहर, वहाँ रात को या मॉर्निंग में कल चले जाना, पास में जो मोहल्ले का मंदिर है यहीं पर पूजा करा लेते हैं, तो यहाँ पर आ गए हैं। और इसके बाद जो पूजा होनी थी करा दी गई थी। खुशी क्या खा रही है? फिंगर। प्राची क्या पी रही है? लस्सी। दीदी पी रही है और हम भी पी रहे हैं। तुम लस्सी? हाँ लस्सी पी रहे हैं। लगी है मुंह में लस्सी। हमारी पार्टी है और यहाँ पे लस्सी पार्टी हो रही है। यहाँ लस्सी में फिंगर। मामी का भी बुला, उनकी साड़ी अच्छी पी। छोटी कर दें। ये देखो ये मामा की। तो सबकी मेहनत लगे। ये हम भी दुकान